संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के एक ट्वीट ने देश भर में हलचल मचा दी है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि यह सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में कयासों का बाजार और गर्म हो गया है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष को आइडिया ही नहीं मिल पा रहा है कि यह सत्र अचानक से क्यों बुलाया गया है और इस सत्र में क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दिका मनोहर सोनी आपके साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने को है, इनके चलते राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी भी शुरू हो चुकी है और इस बीच अचानक से सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र को बुलाया जाना एक देश एक चुनाव की बहस को फिर से जिंदा कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर खुलेआम एक देश एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं। वो लंबे समय से एक साथ चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं, इसी कारण कुछ साल पहले उन्होंने इसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन सबकी राय अलग अलग होने वह बैठक बिना किसी निष्कर्ष के ही खत्म हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी कहा था कि सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं? मैं जानता हूँ जितने भी बड़े बड़े नेता है उन्होंने कहा है कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए, 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, उसके बाद फिर से काम में लग जाए। ये बातें सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल पेश करेगी, ताकि साल के आखिरी में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के समय ही लोकसभा चुनाव कराए जा सके, जिसकी आशंका नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता भी जता चुके हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है कि मई में बनी संसद की नई इमारत में ये विशेष सत्र बुलाकर नई संसद में सांसदों की पहली सभा को विशेष बनाया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपनी हर सफलता को विशेष बनाने के लिए जानी जाती है, तो यह भी एक कारण हो सकता है इस विशेष सत्र का। वही दूसरी तरफ कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में सरकार शायद लंबे समय से टलते जा रहे बिल, जैसे महिला आरक्षण बिल, जैसे किसी मुद्दे पर विधेयक ला सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि चंद्रयान 3 और अमृतकाल के लिए भारत के लक्ष्यों पर इस विशेष सत्र में व्यापक चर्चा की जा सकती है, जिससे आने वाले समय की बेहतर योजना तैयार की जा सके। अब देखना यह होगा कि इस विशेष सत्र के पीछे केंद्र सरकार की क्या मंशा है। एक देश एक चुनाव को लेकर देश में काफी समय से एक बहस चल रही है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इस बहस के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह आता है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि देश का संसाधन भी बचेगा। देश के जवान को आधे से ज्यादा समय चुनाव करवाने में लगे रहते हैं, जिस कारण एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। इसमें जो बड़ी राशि खर्च होती है उस पर भी लगाम लगेगा। वही इसके विपक्ष में यह बात सामने आती है कि एक चुनाव से सरकार और नेताओं की तानाशाही खुलकर सामने आ सकती है, लेकिन उसके बाद जनता के हाथ में ज्यादा कुछ करने को नहीं रह जाएगा। तो इस बहस पर आपका क्या सोचना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस बहस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।